फ्रेंड्स, मैं रेनू अपनी यूट्यूब चैनल रेनू अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमारा क्या चल रहा है, द्विवेदी युग चल रहा है और द्विवेदी युग के कवियों को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे कवि हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़े हैं, उनसे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, उनकी रचनाएँ पूछ ली जाती हैं या कुछ उनसे जैसे उनसे संबंधित तथ्य पूछ लिया जाते हैं, जैसे गया प्रसाद शुक्ल सनेही हैं, इनको मैंने नहीं बताया। इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सनेही और त्रिशूल नाम से क्या करते थे, कविताएं लिखा करते थे, लेकिन सनेही सनेही में वो क्या करते थे, सनेही नाम से क्या करते थे, वो ब्रज में कविताएं लिखा करते थे। सनेही में अगर पूछे सनेही गया प्रसाद शुक्ल सनेही में सनेही नाम से वो क्या करते थे, ब्रज में लिखा करते थे, और इन्हीं का नाम क्या था, त्रिशूल भी था। इन्हीं का नाम उपनाम क्या था, त्रिशूल भी था, और त्रिशूल वो क्या करते थे, राष्ट्रीय कविताएं लिखा करते थे। त्रिशूल से वो त्रिशूल नाम से कौन सी कविताएं लिखा करते थे, राष्ट्रीय कविताएं। और हमारी जो क्या है, हमारे गुण क्या है कि हम क्या करते हैं कि चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से तुरंत याद करवा देते हैं। एग्ज़ाम में हमें बहुत दिक्कत होती है, सारी चीज़ें एक जैसी लगती हैं, दो ऑप्शन तो हमें पता चल जाता है कि ये नहीं है, लेकिन दो में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो हमारी क्या टेक्निक है कि हमारे हम ट्रिक के माध्यम से उसको कंफर्म कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तो सनेही नाम से क्या करते थे, वो ब्रज में कविताएं लिखा करते थे, जिससे हमें स्नेह किससे है, ब्रजवासी कृष्ण से है। तो अगर पूछे सनेही नाम से वो किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे, तो ब्रज भाषा में। और त्रिशूल नाम से कैसी कविताएं लिखा करते थे, राष्ट्रीय कविताएं लिखा करते थे। त्रिशूल नाम से राष्ट्रीय, मतलब अगर राष्ट्र के लिए हमें कुछ करना होगा तो हमें त्रिशूल उठाने की जरूरत है, हमें त्रिशूल से ही युद्ध करना पड़ेगा। इसी तरह याद कर लेंगे, स्नेह किससे है, ब्रजवासी से है, और त्रिशूल लेके हमें राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। हो गया, इतना याद हो गया होगा। और है राम नरेश त्रिपाठी को हम नहीं पढ़ाए थे। राम नरेश त्रिपाठी को पूछा जाता है इतना कि इनकी कौन सी दो तीन रचनाएं हैं जो पूछा जाता है, मिलन पथिक स्वप्न, मिलन पथिक स्वप्न, लेकिन जो और एक मानसी है, मानसी क्या है, इनकी फुटकल रचनाओं का संग्रह है। मानसी क्या है, फुटकल रचनाओं का संग्रह है, मिलन पथिक और स्वप्न इनकी रचनाएं हैं। इनके एक कविता भी है स्वदेश प्रेम, जो हाई स्कूल या नाइन्थ में शायद लगा हुआ है, स्वदेश प्रेम। तो वहीं से हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से इनकी पंक्तियों को याद करेंगे। इनकी पंक्तियाँ दो तीन पूछी गई हैं तो उसको भी हम याद कर लेंगे। हमने उन्हीं वर्ग पंक्तियों को रखा है जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। तो हम देखते हैं हमारी जो पंक्तियाँ हैं, सबसे पहले कभी हमने बताया था, याद कराया था, श्रीधर पाठक हैं। और श्रीधर पाठक की कौन सी पंक्ति पूछी जाती है, देखते हैं। निज भाषा बोलहुँ लिखहुँ पढ़हुँ गुणहुँ सब लोग, निज भाषा को देख के हम क्या करेंगे, तुरंत मार देंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। और एग्जामिनर क्या करेगा, ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र जरूर रखेगा, क्योंकि सबके दिमाग में वही निज भाषा उन्नत यह है, सब भाषा को मूल, यही क्या है, सबके दिमाग में फिट है। तो हम निज भाषा देख के भारतेंदु को नहीं मारना है, इसको अभी देखना हम कैसे याद करते हैं। निज भाषा बोलहुँ लिखहुँ पढ़हुँ गुणहुँ, इसका मतलब है हम अपनी भाषा को क्या करते हैं, हमारी जो निज भाषा मातृभाषा है उसको बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और गुणहुँ सब लोग, और सब लोग उसका गुणगान करते हैं, इसका ये अर्थ है। लेकिन याद कैसे रखें कि श्रीधर पाठक की ही है, तो हमने श्रीधर पाठक को क्या किया था, पाठक से ट्रिक बनाई थी कि पाठक महावीर को लेके अयोध्या जाते हैं, इसके पहली जो हमारी ट्रिक थी। तो जो पाठक है मतलब पढ़ने वाला, वो क्या करता है, बोलता है, लिखता है और पढ़ता है। जो पाठक है वही तो लिखेगा, बोलेगा, पढ़ेगा। जो घर में है, काम कर रहा है, या फिर जो दुकान पे बैठा है, दुकान संभाल रहा है, या फिर जो मोची का काम कर रहा है, वो थोड़ी पढ़ने लिखने जाएगा, उसको थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। लेकिन जो पाठक है, पढ़ने वाला है, वही क्या करता है, वही बोलता है, लिखता है और पढ़ता है। तो आप लोग याद रखना, जो पाठक है वही बोलता है, पढ़ता है और लिखता है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी क्या है, दूसरी क्या लाइन है जो पूछी गई है,
वंदनीय वह देश हम जहां के देसी निज अभिमानी हैं, वंधवता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हैं, परता के अज्ञानी हों, सॉरी हो जाता है। वंदनीय वह देश हमारा जहां के देसी निज अभिमानी हों, वंधवता में बधे परस्पर परता के अज्ञानी हों, ये पूछा गया है। तो याद रखना हम क्या करते हैं, इसी में से शब्द उठाते हैं, इसी में से एक शब्द उठा के और कवि से क्या करते हैं उसको लिंक करके याद करते हैं। हम पाठक हैं, जो पाठक है पढ़ने वाला है, इसका मतलब वो अज्ञानी है तभी तो जाके पढ़ रहा है ना। जो पाठक है पढ़ने वाला है वो क्या करता है, अज्ञान है ना, अज्ञान है तभी तो जाके गुरु से वो शिक्षा लेता है, तब जाके क्या करता है एग्जाम को पास करता है। तो अज्ञानी शब्द अगर आ जाए लाइन में तो आप लोगों को याद रखना है कि अज्ञानी कौन है, पाठक है। अज्ञानी कौन है, पढ़ने वाला है, पाठक है। इसके बाद कौन सी वाली ट्रिक है, जगत है सच्चा, पूछा गया है ध्यान देना आप लोग, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। हम बच्चा को उठाएंगे, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। पाठक कौन होता है, बच्चा तो होता है, हालांकि अभी रोजगार पाने के लिए बहुत एज हो जाती है फिर भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन पाठक की एक एज होती है ना, पढ़ने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 ऐसे पढ़ता है, उसके बाद क्या होता है हमारी जो मेमोरी होती है वो धीरे धीरे भूलने लगता है, चीज़ें याद नहीं रहती हैं। तो वही है, क्या है पाठक, क्या है कच्चा है और वो बच्चा है, पाठक क्या है कच्चा है और बच्चा है। अगर ये लाइन आ जाए, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद, मतलब याद आ जाना चाहिए आपको कि कच्चा कौन है और बच्चा कौन है, कच्चा पाठक ही रहता है और बच्चा भी पाठक ही होता है। लिखो करो न लेखनी बंद, मतलब एक पाठक है पढ़ रहा है और गुरु क्या कह रहा है, लिखो करो न लेखनी बंद। लिखता कौन है, यहाँ था ना बोलो लिखो पढ़ो, तो लिखता कौन है, पाठक लिखता है और उसको कहा जाता है लिखो। कहते हैं क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं कोई बच्चा नहीं लिख रहा है तो कहते नहीं ये लिखो, लेखनी बंद मत करो। तो वही पाठक जी कह रहे हैं कि लिखो न करो लेखनी बंद। एग्जाम में आ जाए कि किसकी पंक्ति है लिखो न करो लेखनी बंद, तो लिखता कौन है, पाठक लिखते हैं। महावीर प्रसाद की पंक्तियों को कम पूछा जाता है, उनका निबंध क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है, तो निबंधों से उनकी जो लाइनें हैं वो पूछ ली जाती हैं। और एक है इनका हाथी से लेकर चींटी तक, मनुष्य से लेकर राजा तक, भिखारी से लेकर राजा तक, सब पर कविताएं हो सकती हैं, ये पूछा जाता है। तो किसका है वो, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इनकी पंक्तियां कुछ देख लेते, क्योंकि जब कभी कभी होता है हम सोचते हैं कि यहां से नहीं आएगा और एग्जाम में वहां से उठा के रख देता है। तुम्ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैल राज महाराज, तुम्ही अन्नदाता, महावीर प्रसाद द्विवेदी को हमने क्या किया था, महावीर मतलब हनुमान जी से लिंक किया था, महावीर मतलब हनुमान जी से लिंक किया था। और दोस्तों मैं ये जो ट्रिक बनाती हूँ इसको बनाने में थोड़ा पढ़ाने में तो जल्दी से बता देती हूँ, वीडियो 7-8 मिनट 10 मिनट का हो जाता है, लेकिन जो इसके पहले का होता है प्रोसेस उसको बनाने में सोचने में बहुत टाइम लगता है कि कौन सी ऐसी ट्रिक बनाऊँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए, याद हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें ताकि उन लोगों को मदद मिल सके जो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब पंक्तियों की वजह से, रचनाओं की वजह से एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर शेयर करें, बस मेरी यही इच्छा है। अब देखते हैं, अन्नदाता हमने किसको माना, महावीर को। महावीर क्या है, अन्नदाता है, भारत के सचमुच बैरराज और वही क्या है, महाराज है। भैंस भवानी कह तब सेवा, लागे करन पढ़ौगा छूट, मतलब भैंस भवानी की सेवा करते करने में क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। महावीर प्रसाद की पंक्ति है कि भैंस भवानी की सेवा करते करते पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। तो यहाँ महावीर है, यहाँ कौन है, भवानी है।
महावीर है भवानी है, भवानी लाइन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, महावीर की पंक्ति मान लेंगे। सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी है जहां, सारी प्रजा निपड़ दीन दुखी है कहां, सारी प्रजा किसकी सेवा करती है, महावीर की। सारी प्रजा किसको मानती है, महावीर को मानती है, मतलब हनुमान को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को सारी प्रजा बहुत मानती है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हरिऔध को। हरिऔध को हम याद कर लेते हैं कि औधे, मतलब जब मुंह के बल गिर जाते हैं, हमारी औधी में कहा जाता है कि औधे गिर गए, औधे मुंह गिर गया। तो मैंने भी ऐसे याद किया था हरिऔध को, क्या किया था कि ये औधे मुंह गिर गए थे। हरिऔध को कैसे गिर गए थे, औधे मुंह गिर गए थे। जब औधे मुंह गिरते हैं तो क्या होता है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये कहाँ की लाइन है, किसकी लाइन है, तो हरिऔध की है। कैसे पहचानेंगे, तो अगर हम औधे मुंह गिर जाते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा अवसान हो जाता है ना, उत्थान जब उठेंगे तब होगा। लेकिन कभी कभी होता है कि हम निराश होकर क्या करते हैं, औधे मुंह गिर जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, अवसान हो जाता है। लेकिन हम अगर जब उठ जाते हैं कुछ सोच के कि हम कर लेंगे, कर हमसे ही होगा और किसी से नहीं, तो क्या होगा, हमारा उत्थान होगा। लेकिन हम गिर गए औधे मुंह तो क्या हो जाएगा, हमारा अवसान हो जाएगा। तो अवसान अगर पूछ ले, दिवस का अवसान समीप था, तो हम हरिऔध को लगाएंगे। इसके बाद है प्रीपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, डूबी जल डूबी दुख डूबी जल निधि का सहारा कहाँ है, दुखी जल निधि का सहारा कहाँ, ऐसे लाइन है। तो ये मैंने बताया था, यशोदा पूछ रही है नंददास से, हे प्रीपति मेरा प्राण प्यारा अर्थात कृष्ण कहाँ है। तो ये कहाँ की लाइन है, प्री प्रवास की है, और यहाँ पहला ही शब्द क्या है, प्रिय है। प्रीपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्री प्रवास में भी प्रिय है पहले, और प्रीपति में भी प्रिय है। तो इससे आप लोग याद कर लेना, प्री प्रवास किसकी रचना है, हरिऔध की है। और इसमें अगर पूछे कौन सा छंद है, तो आप लोग याद रखना ये मालिनी छंद है, और इसमें मैंने बताया हुआ था द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद में मैंने बताया था कि 12 वर्ण होते हैं, और मालिनी छंद में कितने वर्ण, 15 वर्ण होते हैं, आप लोग गिन सकते हैं। इसके बाद है हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं यह मेरी। हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। मतलब जब हम औधे मुंह गिर जाएंगे तो पेट क्या हो जाएगा, पट जाता है ना, कहते हैं कि मिट्टी को पाट दो। तो अगर हम ऐसे औधे मुंह गिर जाते तो पेट हमारा क्या हो जाता है, पट जाता है, मतलब समतल हो जाता है। पेट कब पट जाता है, जब हम औधे मुंह गिर जाते हैं, मतलब हरिऔध की पंक्तियां है। इसके बाद है चार डग हमने भरे तो क्या हुआ, चार डग हमने भरे तो क्या हुआ, है मैदान कोसो को, है मैदान कोसो का अभी। आप लोग याद रखना, औधे मुंह गिर गए तो क्या हो जाएगा, मैदान कोसो का तो पड़ा ही रहेगा, हम नहीं चल पाएंगे ना। अगर हम औधे मुंह गिर गए, चार डग ही हमने भरा था, क्या किया, औधे मुंह गिर गए, और सारा मैदान क्या है, कोसो का अभी पड़ा हुआ है। इस तरह से आप लोगों को दिमाग में एक स्टोरी बना लेना है, क्योंकि पंक्तियां नहीं याद होती हैं। दो ही ऑप्शन है आप लोगों के पास, या तो सारी पंक्तियों को याद कर लो, या तो ऐसे ही लिंक करके मेरी तरह मेरे साथ आप लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुझे लगता है यह जो तरीका है सबसे अच्छा है, क्योंकि इतनी सारी पंक्तियां हैं आदिकाल से लेके आधुनिक काल तक, नाटक में कुछ ऐसे कथन हैं जो कि हम याद नहीं रख सकते, लेकिन ऐसे अगर लिंक कर लें तो हमें एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। क्या करते हैं, चार डग हमने भरा था लेकिन क्या हुआ, मैदान अभी कोसों का पड़ा हुआ है, औधे गिर पड़े, हो गया। इसके बाद रामदेव त्रिपाठी की दो लाइनें ज्यादा पूछी जाती हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण हो, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इनका मैंने बताया था एक कौन सी रचना है, स्वदेश प्रेम। मार्कर भी नहीं चल रहा है, खत्म हो गया है।
तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना। इनकी एक पंक्ति है, एक कविता है, स्वदेश प्रेम। तो ये क्या करेंगे, प्रेम की ही बात करेंगे, क्योंकि ये अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए क्या कर देते हैं, स्वदेश प्रेम नाम की कविता लिखते हैं। तो सच्चा प्रेम वही है जिसकी आत्मबल पर निर्भर हो, करो प्रेम पर प्राण निछा। बार बार ये प्रेम की बात कर रहे हैं। आप लोगों को याद रखना होगा स्वदेश प्रेम किसकी है, राम नरेश त्रिपाठी की है। तो प्रेम यहाँ भी है और प्रेम इनकी रचना कविता के नाम में है, तो इनकी पंक्तियों में भी बार बार प्रेम शब्द आया हुआ है। वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, इसकी जो पहली लाइन है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इसकी जिसका जो अर्थ होगा कि पराधीन रहकर हम चाहे सुख हो चाहे दुख हो वो किसी से कह नहीं सकते, यह अपमान केवल पशु को चाहे सुख मिले दुख लेकिन वो किसी से कह नहीं सकता। तो प्रेम हमने बताया कि ये देश से प्रेम करते थे, और जो लोग प्रेम करते हैं उनको जगत में बहुत अपमान मिलता है, चाहे हीर राजा को देख लें या रोमियो जूलियट को देख लें, तो क्या मिलता है उनको, अपमान मिलता है। कहाँ से, जगत में, जगत से उनको बहुत ही अपमान मिलता है जो प्रेम करते हैं। तो इस तरह की पंक्ति पूछे तो आप लोग याद रखना कि वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है, किसकी लाइन है, राम नरेश त्रिपाठी की लाइन है, क्योंकि उन्होंने स्वदेश प्रेम नामक कविता लिखी और प्रेम शब्द उनके उनकी पंक्तियों में बहुत मिलता है। इसमें एक दो और बच्चे हैं जिनकी पंक्तियां पूछी जाती है, मैथिली शरण गुप्त जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको उनमें ज़्यादा पंक्तियां हैं, तो उसको उसके लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसको दूसरे पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। और जगन्नाथ दास रत्नाकर और कविरत में भी बसते हैं, उनकी एक दो पंक्तियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उसको भी मैं दूसरे ही भाग में बता दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को थोड़ा सा ऐसे जाया मत करिएगा, अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़िए, ताकि अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। और क्या बोलूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।